नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि खबरों की सारी अपडेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि बिना परमिशन बजाया अगर लाउडस्पीकर तो खैर नहीं, भरना पड़ेगा अब 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अब अगर बिना इजाजत ध्वनि प्रदूषण किया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। राजधानी में पॉल्यूशन के बढ़ते लेवल को देखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शनिवार को बताया कि साउंड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि रिहायशी इलाकों में पटाखा जलाते पाए जाने पर भी नए नियमों में 1,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। यदि ये पटाखे साइलेंट जोन में जलाए जा रहे हैं तो जुर्माना 3,000 रुपए तक होगा। तो दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण करने से पहले एक बार जरूर से सोचें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, सीएम योगी बोले पीएम मोदी के मार्गदर्शन का मिला है फायदा। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी के पक्ष में आए नतीजों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर तबके तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंची हैं। जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन का लाभ मिला है, पीएम की प्रेरणा से हम लोग काम कर रहे हैं, ये जीत उनकी ही नीतियों की जीत है। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। 825 ब्लॉक में अब तक पार्टी को 640 से अधिक पर बीजेपी को जीत मिल चुकी है। दोस्तों, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो क्या वहां पर यूपी सरकार अच्छा काम कर रही है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि इन राज्यों में स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी, जाने कहां और किन नियमों का करना होगा पालन। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है। अगले हफ्ते से कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। 16 जुलाई से हरियाणा में स्कूल खुल रहे हैं तो 15 जुलाई से गुजरात सरकार ने भी स्कूल और कॉलेज को खोलने का निर्णय ले लिया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने 16 जुलाई से बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि हर परिवार के अब एक शख्स को मिलेगी सरकारी नौकरी, जानिए क्या है इसकी पूरी सच्चाई। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि बड़ी संख्या में युवाओं का सपना होता है कि वो भी सरकारी नौकरी करे, और हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई भी करते हैं। ऐसे में कुछ लोग सरकारी नौकरियों से जुड़ी अफवाहें भी फैला रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल एक यूट्यूब चैनल पर दावा किया गया है कि केंद्र सरकार अब हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी दे रही है। लेकिन दोस्तों, क्या ये दावा सही है? इसी सवाल की खोज के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की फैक्ट चेक ने इस दावे की पड़ताल की। और दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा है कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही। दोस्तों, अगर आपको भी किसी भी खबर या दावे में कोई भी संदेह है तो आप ऐसे किसी भी खबर को आगे शेयर ना करें और हमें कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूपी जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट तैयार, 2 से अधिक बच्चे वाले को काफी नुकसान, ये है इसका पूरा मसौदा। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, प्रमोशन और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 का प्रारूप तैयार कर लिया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रारूप को वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है और लोगों से इसके बारे में सुझाव मांगे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस पर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए जरूर दें। और दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, ये है इसकी वजह। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गौतम बुद्ध नगर में 30 अगस्त तक धारा 144 लगा दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में श्रावण, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली
हुई बड़ी खबर कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का अब हब बनेगा यूपी। राज्य में बनेंगे सैमसंग, वीवो, ओप्पो और लावा के फोन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है। राज्य में सैमसंग, वीवो, ओप्पो और लावा के फोन बनने वाले हैं और ये दावा देश के बड़े औद्योगिक संगठनों से जुड़े उद्योगपति कर रहे हैं। इन औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि यूपी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देश का प्रमुख सेंटर बनने की दिशा में चल पड़ा है। अब राज्य में ओप्पो, वीवो, सैमसंग, लावा और फार्मी जैसे तमाम कंपनियों ने मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करने की पहल कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महामारी की मंदी के बाद अब मानसून ने बढ़ा दिए मोदी सरकार की टेंशन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से आई मंदी से जूझ रही मोदी सरकार की परेशानी अब मौसम के कारण और मानसून में देरी के कारण और बढ़ गई है। भारत में आमतौर पर 1 जून से मानसून की शुरुआत के साथ खेतों में धान सहित कई अहम फसलों की बुआई शुरू हो जाती है और ये सिलसिला अगस्त की शुरुआत तक चलता है, लेकिन इस बार मानसून में देरी की वजह से फसल बुआई में गिरावट दर्ज की जा रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि देश में आधी से अधिक कृषि योग्य भूमि सिंचाई सुविधाओं से वंचित है और किसान पूरी तरह से बारिश के पानी पर ही निर्भर है। ऐसे में अब मोदी सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा दम। बीते 24 घंटे में 76 नए मामले, केवल एक व्यक्ति की मौत। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दौरान 81 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,087 नए मामले सामने आए और 109 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात ये रही कि 11,867 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ट्रैक पर आ गया बाढ़ का पानी, रेलवे ने रद्द कर दी बिहार जाने वाली ये ट्रेनें। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ का तांडव जारी है, जिसका सीधा असर अब ट्रेन परिचालन पर पड़ने लगा है। समस्तीपुर रेल मंडल के 2 अलग अलग रूटों पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक और जहां मंडल के सगौली नरकटियागंज रेलखंड पर 7 दिनों से ट्रेनों का परिचालन बंद है, वहीं कल यानी कि 10 जुलाई से समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। इन रूटों पर कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द भी कर दिया गया है तो कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करके चलाया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में जल संकट के बीच आम आदमी पार्टी का आरोप, हरियाणा सरकार ने की है यमुना के पानी में कटौती। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने यमुना नदी से दिल्ली के लिए आने वाले पानी में कटौती कर दी है। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी द्वारा दिल्ली भेजे जाने वाले पानी में कटौती कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मानसून का इंतजार अब खत्म, दिल्ली में अगले 48 घंटों में झमाझम बारिश के आसार। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अगले 48 घंटे के भीतर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक यहां हल्की फुल्की बारिश नहीं होगी बल्कि जोरदार बारिश होगी, तो अगले 5 दिनों तक ये चलेगी भी। आपको बता दें कि IMD ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पूर्वी हवाएं उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रही हैं और मानसून के लिए अनुकूल स्थितियां बन भी रही है। ऐसे में मानसून के पूरे पश्चिम उत्तर भारत में पहुंचने की पूरी संभावना बन रही है। विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में इस इलाके में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।